फिर गाइस स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों अभी जो वैकेंसी आई है वो एनआईटी मणिपुर से आई है दोस्तों, और एनआईटी मणिपुर में ये जो पोस्ट है ये है प्रोजेक्ट असिस्टेंट का। और आपको मैं बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट का पद होता है ये पद किसी प्रोजेक्ट के बेस्ड पे होता है। जैसे कि अगर कोई प्रोजेक्ट है उसके बेस्ड ऑन जो है प्रोजेक्ट असिस्टेंट का पद निकाला जाता है जो उसमें काम करते हैं। अब इसमें क्या है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको अप्लाई करना है उसके लिए कोई फीस नहीं है, नील है एकदम, ठीक है। और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, सिलेक्शन प्रोसीजर में वो डिपेंड करेगा कि फॉर्म कितने भरे हैं उसके हिसाब से ये बताएंगे कि ये रिटेल लेंगे या इंटरव्यू लेंगे, कैसे ये लेंगे। दूसरी चीज़ है कि इसके लिए जो इमोलमेंट्स मिलेगा वो 25,000 रुपया प्रति माह आपको मिलेगा। अब इसमें हमें ये जानना है कि इसके लिए हमें अप्लाई कैसे करना है, और जो अप्लाई हमें करना है तो कहाँ अप्लाई करना है, ये एक बात ये हो गई। दूसरी बात हमें ये जाननी है कि इसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट है और किस ब्रांच के लिए हमारा ये प्रोजेक्ट असिस्टेंट का पद निकाला गया है, इसको भी हमें ध्यान देना है। लास्ट डेट क्या होगा उसको भी देखना है कि लास्ट डेट क्या होगा और इसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस अवेलेबल हैं। तो ये सारी जानकारी हम लोग इस पूरे वीडियो में देखने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो दोस्तों। ये जो है ये आया है डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपुर से। अब इसमें दोस्तों की जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम मणिपुर, FLEWSMN, ये इसका कोड है। अब इसमें क्या है कि वॉक इन इंटरव्यू कराया जा रहा है, सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, यानी कि एग्जाम नहीं है, वॉक इन इंटरव्यू। अब इसमें नियम और शर्त को समझ लीजिए, प्रोजेक्ट असिस्टेंट का पद है और सिर्फ एक पद है। अब इसमें क्या है कि इसमें बीटेक वाले भी एलिजिबल है, पहले गौर से इसको आपको समझना होगा। सबसे पहली बात क्या है कि इसेंशियल जरूरी क्या है कि अगर एमटेक हो, एमएससी हो या उसके इक्विवेलेंट अगर कोई पीजी डिग्री आपने कर रखा है प्रोफेशनल डिसिप्लिन में, जैसे कि वाटर रिसोर्स में आपने एमएससी कर रखा है, हाइड्रोलॉजी में या एटमॉस्फेरिक साइंस में या एनवायरमेंटल साइंस में या अर्थ साइंस में या रिमोट सेंसिंग में या GIS विथ वाटर रिसोर्स सब स्पेशलाइजेशन में तो चलेगा, विथ रिलीवेंट बीटेक BBSC डिग्री के साथ, इसके साथ एमटेक या एमएससी चाहिए फर्स्ट क्लास डिग्री। अगर इसके अलावा और अगर आपके पास और लिखा हुआ है, दूसरी बात, दूसरे कंडीशन क्या है कि ग्रेजुएट डिग्री अगर प्रोफेशनल कोर्स में जैसे कि BE BTech है सिविल में या एग्रीकल्चर में या जियो इन्फॉर्मेटिक में, तो आप तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर एमटेक नहीं है सिर्फ आपके पास BTech है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि ये एक साल के लिए है और 25,000 रुपया मिलेगा, ये मैंने पहले बता दिया। अब इसके आगे देखिए कि जॉब प्रोफाइल क्या है, जॉब प्रोफाइल को समझिए, जॉब प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट को समझिए। जॉब प्रोफाइल है कि हाइड्रोग्राफिक या हाइड्रोलॉजिकल सर्वे जो है वो आपको करना है, DGPS GPS फील्ड सर्वे वो करना है, हाइड्रोमेटोलॉजिकल डाटा मॉनिटरिंग जो वो करनी है। दूसरा चीज़ यहाँ पे हैशटैग लगा के बोल दिया गया कि 24/7 इन्वॉल्वमेंट हो सकता है प्रोजेक्ट ऑपरेशन मोड में, यानी आपको किसी समय भी बुला के वो कर सकते हैं, मतलब वर्क जो आपको दिया जा सकता है। अगर उनको डिजायरेबल अगर कोई एक्सपीरियंस आपके पास मिलता है तो प्रीफ्रेंस आपको मिल सकता है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है इस तरह के जॉब का कि आपके पास प्रैक्टिकल वर्किंग स्किल हो DGPS GPS वेदर डाटा इंटरप्रिटेशन का, तो वो आपको प्रीफ्रेंस देंगे। एज लिमिट के लिए बोला गया है कि एप्लीकेंट जो है नॉट अटेंड द एज ऑफ 35 ईयर्स एज ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू, उससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और रिलैक्सेशन जो है आपको अप्लाई होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के हिसाब से, 35 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब है कि ओनली इंडियन नेशनल एलिजिबल है, ठीक है, सिर्फ वही है। ये तो बात हो गया एडवर्टीजमेंट की। अब देखिए दूसरा बात है यहाँ पे कि डेट और इंटरव्यू 27 मई 2024 को सुबह 10:30 बजे रखा गया है। एप्लीकेशन फी नील है। मोड ऑफ सिलेक्शन रिटन टेस्ट या इंटरव्यू या दोनों से भी हो सकता है, ये इन्होंने बोला है। वेन्यू क्या होगा तो डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग NIT मणिपुर लैंगोल इम्फाल, ठीक है, यहाँ पे सुपरिटेंडेंट का दिया हुआ है, नाम वगैरह दिया हुआ है। अब आते हैं टर्म एंड कंडीशन की बात करते हैं दोस्तों। तो टर्म एंड कंडीशन की बात यहाँ पे कहा गया है कि डुलाई फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो कि डाउनलोड करना है इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से आपको NITmanipur.ac.in पे, ठीक है, वो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ आपको प्रोड्यूस करना है डेट और इंटरव्यू पे, ठीक है। और ये आपको रिकमेंड किया जा सकता है कि सबमिट करना डुलाई फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट इन एडवांस टू द ऑफिस ऑफ द प्रोजेक्ट फोकल, इसमें एडवांस में भी आपको सबमिट करना होगा। किस फॉर्मेट में, तो इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट बाय हैंड से भी कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट से भी कर सकते हैं, सील्ड इनवेलप पे उस पर लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट और यहाँ पे FLM प्रोजेक्ट, और उसके नीचे फिर अपना डिटेल आप लिख सकते हैं।
दूसरा चीज, अगर आप इसमें भी सक्षम नहीं हैं तो आप जो है सेंड कर सकते हैं स्कैन कॉपी को इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, ठीक है, रिव्यू पर्पस के लिए, ठीक है। ये ऑफिशियल रिसिप्ट कॉपी नहीं माना जाएगा, ठीक है। प्री स्क्रीनिंग शॉर्टलिस्ट जो है कैंडिडेट का, रिटेन टेस्ट या दोनों के लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके वो बुलाएंगे, उसके हिसाब से आपको एलिजिबल किया जाएगा। जो एलिजिबल या शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे वो वाकई इंटरव्यू में आएंगे और कोई सेपरेट कॉल या ऑफर लेटर आपको नहीं होगा, ठीक है। उसके आगे है कि जो आपका जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो सिलेक्ट किया जाएगा प्रोजेक्ट असिस्टेंट, वो आप रेगुलर पीएचडी प्रोग्राम के लिए भी कर सकते हैं अगर आप गेट और नेट क्वालिफाई कैंडिडेट हैं तो, ठीक है। दे और सेटिस्फाई करते एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पीएचडी प्रोग्राम के लिए तो, ठीक है। एनआईटी मणिपुर के ऑर्डिनेंस और नॉर्म्स में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो एज प्रूफ है ये सब है, ये सब जो है आपको इंटरव्यू के टाइम में आपको देना है, ठीक है। आगे बोल रहे हैं कि जो रिक्रूटमेंट है वो प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, को टर्मिनस है और प्रोजेक्ट कंप्लीशन है, कोई भी आप क्लेम रेगुलराइजेशन का नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट फोकल या प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर जो है वो आपको एक्सटेंड कर सकता है टाइम ड्यूरेशन को प्रोजेक्ट स्टाफ एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कैंडिडेट जो है एनी फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ एटोनेमस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं। आपको इंटरव्यू के लिए कोई भी खर्चा नहीं दिया जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन इन केस ऑफ सिलेक्शन द कैंडिडेट शुड एक्सेप्ट द ऑफर अपॉइंटमेंट ज्वाइन विद इन 3 डेज और एटलीस्ट बाय 3 जून तक आपको ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लेना होगा, नहीं तो वो आपको एक्सटेंशन नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद एडवाइज किया जाता है कि इस manipur.nit.in के आपको रेगुलर विजिट करते रहना है। तो ये सारी बातें हुई किसकी, एनआईटी मणिपुर में आपका जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट का पद है, ठीक है। अब ये एडवर्टीजमेंट जो डाउनलोड करना है या एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, इन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए और लोगों तक शेयर करिए ताकि लोग इसका जल्द से जल्द फायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।